आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नगर पालिका द्वारा जलकर राशि बढ़ाने का भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, एसीएम को दिया आवेदन। लॉकडाउन के बाद आय के स्रोत हुए कम, जलकर राशि की बढ़ोतरी से प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा भार। नगर पालिका परिषद बढ़वा से जारी हुई विज्ञप्ति से भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिख रहा है। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से नगर पालिका सीएम राधेश्याम मंडलोई जहाँ नगर में दुकान कर और जलकर वसूली में व्यस्त नजर आ रहे हैं, वहीं अब उन्होंने 28 फरवरी को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी कर जलकर राशि में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी, जिससे महंगाई के दौर में हर व्यक्ति पर दोहरी मार पड़ सकती है। दरअसल खरगोन जिले के बढ़वा में रविवार को भारी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां सभी एक एक स्वर में एसडीएम अनुकूल जैन के समक्ष नगरपालिका सीएमओ की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने एक आवेदन के माध्यम से बताया कि आगामी दिनों में निकाय चुनाव होना है, ऐसी स्थिति में नगरपालिका सीएमओ मंडलोई ने अचानक जलकर की राशि को 90 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 250 रुपए करने का निर्णय लेते हुए एक विज्ञप्ति जारी की। इन गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय नगरपालिका जल प्रदाय और ठोस अपशिष्ट सेवा हेतु अधिक प्रभार वसूलने की तैयारी में है। विज्ञप्ति जारी कर प्रभावशील दरें भी बता दी गई, जो 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। इसका शहरवासियों में विरोध देखने को मिल रहा है और भाजपा नगर मंडल ने इस पर आपत्ति ली। इस निर्णय पर बेतहाशा वृद्धि को लेकर तत्काल वापस लेने की मांग की गई। आपको बता दें, मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर ने बताया कि समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें नगर पालिका द्वारा पूर्व की अपेक्षा में दरों में कई गुना अधिक वृद्धि की गई। सीएमओ द्वारा मनमाने तरीके से घरेलू नल कनेक्शन की राशि 90 से 250 रुपए और व्यावसायिक नल कनेक्शन की राशि 300 से 500 रुपए और ठोस अपशिष्ट सेवा में आवासीय भवन की 100 रुपए और औद्योगिक इकाई की 150 रुपए राशि कर दी गई, जो शून्य थी। श्री तोमर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के चलते पहले ही जनता के पास आय के स्रोत नहीं है और ऊपर से नगर पालिका द्वारा इस तरह की वृद्धि करना कदापि न्यायोचित नहीं है। साथ ही नगर पालिका सीमा प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि को धूमिल कर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में सीधे सीधे अन्य राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है। इस संबंध में एसडीएम जैन ने बताया कि विभाग के निर्देश का परिपालन कर नगर पालिका सीमा ने कार्यवाही की और इसका उचित परीक्षण निरीक्षण किया जाएगा। कुछ संशोधन होगा तो विज्ञप्ति के माध्यम से सभी को सूचित किया जाएगा। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। आज ज्ञापन दिया, क्या मामला? आज हम लोग यहाँ एसडीएम साहब के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें मतलब आज हमने सभी समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति देखी है जो किसी के संज्ञान में नहीं थी, और उसमें संपत्ति कर, नल कर और जो अवशिष्ट प्रभाव के उसकी टैक्स की वृद्धि को लेके एक विज्ञप्ति दी गई। उन सबकी जो राशि दर है वो अधिक होने के कारण हम सब उसमें आपत्ति जताते हैं और उसी को दर्ज कराने हम एसडीएम साहब के समक्ष उपस्थित हैं। ये आज ज्ञापन दिया है भाजपा वालों ने, क्या है? आज जो ज्ञापन आया है, ये एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है नगर पालिका बढ़वा के द्वारा आज के अखबार में, उसके संबंध में है। ये कुछ जल प्रदाय तथा ठोस अपशिष्ट सेवाओं के लिए कुछ उपभोक्ता प्रभाव के संबंध में विज्ञप्ति जारी करी, सूचना जारी की है। उसके संबंध में एक आपत्ति प्रस्तुत की गई है, इसका उचित परीक्षण निरीक्षण करके निराकरण किया जाए। सर, ये अचानक रेट बढ़ाने का क्या कारण रहा? देखिए, जो भी कार्रवाई है वो निर्देशानुसार ही, विभाग के को निर्देश आए उनके परिपालन में ऐसा मुझे बताया गया, सीएमओ के द्वारा की कार्रवाई की गई है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है, उचित इसका निराकरण किया। यदि इसमें संशोधन होता है तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी आपको? सभी को जानकारी होगी, जैसे ये सूचना प्रकाशित हुई है वैसे उसकी भी योजना प्रकाशित हुई।